कि हमारे विद्यालय में एक बड़ा झंडारोहण का कार्यक्रम है और आज वही झंडारोहण बहुत से लोग हैं मेहता जिनको इनके बारे में नहीं पता है क्योंकि ये कोई पोस्टर बैनर वगैरह नहीं लगवाई, तो आप बता सकती हैं क्यों नहीं लगवाई है? तो गाइज ये देखिए यहाँ कुछ छात्र नेता लोग हैं, तो ये रहे पूर्व छात्र संघर्ष वाले हैं, तो इनसे जानते हैं कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? इस बार सिर्फ संघर्ष को हम लोग महाविद्यालय में सपोर्ट कर रहे हैं। आज तो पहली बार गणतंत्र दिवस है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भाई हमारे एजाज अली हैं, उनकी तरफ से भी सारे भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, कबीर नगर की जनता को, पूर्वांचल की जनता को, महाविद्यालय में समस्त छात्र छात्राओं को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं जो इस बार सब लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, मतलब किसके आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करने की बात है कि संघर्ष का, क्योंकि विद्यालय में हम लोगों ने लगातार गाड़ी मोटरों को देख के, व्यवहार देख के, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, दोस्ती के आधार पर, न जाने कितने लोगों को, पदाधिकारियों को चुनाव में मदद किया, चुनाव जीते भी और विद्यालय का आज भी यथास्थिति पुरानी तरीके से बनी हुई है। तो आपको हमारे विद्यालय में है, हमारे विद्यालय में एक छात्र नेता है जिसने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी है, अपने घर परिवार को त्याग कर, अपने समय को त्याग कर, अपनी सारी खुशियों को त्याग कर महाविद्यालय में 24 घंटा लगा है, प्रचार न करके विद्यालय में तमाम छात्र छात्राओं की मदद करने का भी काम करता है। ऐसे छात्र नेताओं का इस बार मैं मदद कर रहा हूँ, अध्यक्ष में एजाज अली, और एजाज अली ने जो संघर्ष किया इस महाविद्यालय में, शायद ही किसी ने संघर्ष किया। इस बात को लेके अपनी महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्रा भाई एजाज अली का भी सपोर्ट करना है। जमीनी स्तर के छात्र छात्रा तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है एजाज अली। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। ऐसे ही हमारे देश में अमन चैन शांति बना रहे, भाई बहन का प्यार, हिंदू मुसलमान का एकता दिखने को मिले। आज काफ़ी भाई बहन हमारे महाविद्यालय में आए, हमारे महाविद्यालय में काफ़ी दिनों से, महाविद्यालय वर्षों से चल रहा है और चलता ही रहेगा। आज हमारे महाविद्यालय में एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है जिसे हम ही नहीं, पूरा देश, समाज, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज हमारे महाविद्यालय में बड़ा वाला तिरंगा, हमारे देश की शान, आन, बान जो है, जो हम लोग की जान है, शान है, आन है, बान है, हमारे महाविद्यालय में आज स्थापना हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भैया लोग, गुरुजन, सभी आए हुए हैं महाविद्यालय में। बाकी मैं संघर्ष किया हूँ, छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा हूँ, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, एजाज अली नाम है मेरा। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, इस विद्यालय में एक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, कोई एक व्यक्तिगत कोई श्रेय न ले पाए, झंडा जो हमारे विद्यालय के गेट के सामने से लगा हुआ है, तो हमारे नवनिर्वाचित जगत जायसवाल जी, जिसको यहाँ की जनता ने अथाह तरीके से वोट देकर जिताया था, हम समस्त छात्र छात्राओं की मांग थी कि हमारे विद्यालय में एक बड़ा झंडारोहण का कार्यक्रम, और आज वही झंडारोहण न जाने सोशल मीडिया पे और लोगों के बीच में कितना वायरल हो रहा है। हम लोगों ने जगत जायसवाल जी से कहा कि हमारे विद्यालय की आन बान शान है, हम लोगों को भी मतलब हमारा झंडारोहण लगाने का कार्यक्रम करें। आज माननीय जगत जायसवाल जी ने हम लोगों के सारे वादों को पूरा किया और झंडारोहण का कार्यक्रम लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो गया। बस थोड़ी ही देर में माननीय जगत जायसवाल जी, कुछ सरकारी डीएम साहब, तमाम लोग आ जाएंगे और झंडारोहण का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें तमाम छात्र नेता, सबकी भूमिका है, सबका संघर्ष है, सबका साथ है, किसी एक व्यक्ति की विशेष का नहीं, झंडारोहण का कार्यक्रम। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता नहीं होगा, मतलब पता होगा कुछ लोगों जो मेरे कॉलेज के हैं, एक इससे पहले एक अध्यक्ष पद पे, मतलब एक निधि नाम की लड़की थी जो मतलब अध्यक्ष पद पे उठी, तो फिलहाल अभी मेरे कॉलेज में 2 गर्ल्स और हैं जो अध्यक्ष के लिए उठने वाली है, तो सोच रहे गर्ल्स का है। तो गाइस वो चलिए मिलाते हैं, कौन है वो? उनका नाम है सभा परवीन। तो ये रही, ये हैं सभा कर, अपने आप बारे में क्या बताना चाहती हैं? मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि इस बार मैं अध्यक्ष के लिए मैं यहाँ पे विद्यालय से खड़ी हो रही हूँ, और पूरे कॉलेज कैंपस के लोग, हमारे भाई बहनें, सब लोग हमें मदद करके हमें यहाँ कॉलेज की अध्यक्ष बनाए, अध्यक्ष नहीं, हम उन लोग की सेनी है, सेनी कॉलेज की। तो आप क्या सोच के ये अध्यक्ष पद पे चुनाव पे मतलब लड़ रही हैं? बस ऐसे ही राजनीति करना। हाँ, तो आपको इंटरेस्ट है राजनीति में? जी, जी। समाज सेवा करना आपको? जी।
अच्छा। तो गाइस ये सभा जी से हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे कि हमको नहीं पता था कि कोई और एक लड़की है जो इलेक्शन में इस बार चुनाव में मतलब पार्टिसिपेट करने वाली है, बट रियल बताएं तो हमको नहीं पता था, इनका नाम भी नहीं पता था कुछ। तो ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी जिनको इनके बारे में नहीं पता है क्योंकि ये कोई पोस्टर बैनर वगैरह नहीं लगवाई, तो आप बता सकती हैं क्यों नहीं लगवाई है? जी दीदी, मैं इसलिए नहीं लगवाई हूँ क्योंकि कॉलेज के सारे स्टूडेंट जितने बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी और जितने तमाम यहाँ क्लासेस चलती है, मैं खुद स्वयं जाके मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं क्या नाम है कॉलेज में इलेक्शन लड़ रही हूँ। और रही बात पोस्टर बैनर की, तो हम पोस्टर तो नहीं लगवा सकते हैं, और मेरे पास विजिटिंग कार्ड है तो विजिटिंग कार्ड मैं सब लोग को वितरण कर चुकी हूँ, और कॉलेज कैंपस के सारे हमारे सर मैम और जितने भी यहाँ डिपार्टमेंट हैं, जितने भी विभाग हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल हैं, मैम हैं, सब हमको जानते हैं कि सभा बहुत कॉलेज की आन बान शान, और सभा नहीं सभा सेनी है, सौ पे सभा सब पे भारी है इस बार। इसलिए मैं सब लोग बोल रहे हैं अरे आप कैसे चुनाव लड़ेंगी, कैसे चुनाव लड़ेंगी, आपका पोस्टर नहीं है, आपका प्रचार नहीं, हमको प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लोगों को लेके हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम खुद स्वयं अपने पे डिपेंड है, हम अपनी बात अपने आगे अपने भाई बहनों के आगे रखती हूँ, और मैं सब लोग मुझे जानते हैं कॉलेज कैंपस में कि सभा आज से नहीं 4 साल से संघर्ष कर रही है, और पिछले साल ही मैं अध्यक्ष के लिए खड़ी होती लेकिन चूंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं नहीं खड़ी हो पाई थी। और कॉलेज कैंपस के हर एक सर मैम, टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के मेरे जितने भी भाई बहन हैं, सबको पता है सभा अध्यक्ष के लिए पिछले साल ही खड़ी होना था उनको, लेकिन खड़े नहीं हो पाए थे तबीयत खराब हो जाने के कारण। इसलिए इस बार एकदम फुल सपोर्ट में है बीएससी के हमारे सारे भाई बहने और सारे मेरे सपोर्ट में सब हैं कि सभा को इस बार अध्यक्ष कॉलेज की तो बनना चाहिए, और कुछ तमाम मेरे भाई मेरे साथ मतलब करते हैं, मेरे प्रचार मेरे साथ यूपीएससी का क्लास करते हैं, तो उन लोग भी मेरे यूपीएससी का क्लास भी करते हैं। जी मैं क्लास भी करती हूँ, मैं प्रचार भी अपना खुद करती हूँ अकेले, और पूरे जितने भी हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम जितने भी क्लास है मैं खुद स्वयं जाती हूँ, मैं अपना खुद इंट्रोडक्शन देती हूँ, खुद बताती हूँ कि एक अध्यक्ष के लिए हम खड़े हो रहे हैं, अपने आप इस बार अपनी बहन को चुनिए, बहन नहीं कॉलेज की सेनी। आपका कॉन्फिडेंस देख के हमको बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू दी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो मैं भी एक गर्ल्स हूँ तो मेरी तरफ से इनको फुल सपोर्ट है, तो आप लोग तो गाइस जैसा कि आप लोग इनको देख रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा इनको, भरपूर अपना प्यार दीजिएगा, सम्मान करिएगा, क्योंकि लड़की हैं तो लड़कियों में काफ़ी कम जज्बा जगता है जो इतने बड़े पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए उठ रही हैं। तो गाइस मैं इनको मतलब इनका रिस्पेक्ट करती हूँ जो ये उठ रही हैं, तो गाइस आप लोग भी इनको सपोर्ट करिएगा, ये हमारे कॉलेज जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, इंडिपेंडेंस डे।